अरे कौन है भैया ये क्या? डिलीवरी डिलीवरी ऐसे? तुम तो डाकू लग रहे हो, भागो यहाँ से। पता नहीं कौन आ गया थी को घर में। अरे नहीं मैडम, आपने ऑर्डर किया था ना ऑनलाइन। हाँ? अरे डिलीवरी तो ठीक है, पर डर लग रहा है तुमसे। ये क्या बेस बना के आए हो तुम? अरे मैडम ये जो कंबल है ना, ये कंप्लेन करूंगी मैं तुम्हारी तुम्हारी कंपनी में, देखना तुम। अरे मैडम कंपनी वालों ने तो दिया है ये कोरोना से बचने के लिए। डिलीवरी है ये लीजिए, मुझे जल्दी जाना है। थैंक यू, चलो ठीक है भैया, अब जाओ। अरे ये क्या है तुम्हारा? लहंगा, मैंने शादी के लिए ऑर्डर किया था, आपको बताया था ना। तुमने कब बोला हमें कि लहंगा ऑर्डर किया? तुम तो कह रही थी कि तुम साड़ी या सूट के लिए कुछ बात कर रही थी। मैंने तो सुना आपका व्यू लिया था ना साड़ी के लिए। लहंगा तो मैं पहले ही ऑर्डर कर चुकी थी, और लहंगा तो शादी में पहनना है, साड़ी जो है वो मुझे पहले के टाइम पे पहननी है, समझे करो। चलो मैं इस अंदर अलमारी को संभाल के रख लेती हूँ, मुझे पहनना और बहुत सारी तैयारियां करनी है। ओके ओके ओके। अरे तन्नू देखना, डोरबेल बजी है, कोई है? आप जाके देख लो ना एक बार, मैं खाना बना रही हूँ। डाकू आए पापा। डाकू? अरे भैया कौन? अरे भैया ये तुम डाकू की तरह क्यों आ रहे हो? अरे 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 अजीब आदमी है। कैसे डिलीवरी के बारे में रखे हुए? कंबल पहन के आया देखना, शायद तुम्हारा वो डिलीवरी आया ना। हाँ वो मैंने साड़ी और वो लहंगा मंगाया था ना, उसी के साथ ज्वेलरी भी ऑर्डर कर दी थी। लेकिन ज्वेलरी क्यों? ये क्वेश्चन ही गलत है, ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। घंटी कोई आया होगा गेट पे, देखो कौन है। इतना छोटा बच्चा? इतना छोटा बच्चा? अरे ये देखो। अरे कंप्लेन करो यार, एक तो कंबल ओढ़ के आ जाते हैं ये लोग, इनको बिल्कुल मतलब तमीज नहीं, कैसे डिलीवरी देते हैं? बच्चों से डिलीवरी कराने इस कंपनी कंपनी को बैन करवाना यार।
आपको बता रही, आपको क्या परेशानी करवा कर परेशान करते दिख रहे? ये क्या है? नहीं दिख रहा। अरे तू किसने बोला था कंबल लौट के आने के लिए? रूल है कि मतलब कंबल पहन के डिलीवरी होगी। हाँ। अरे वाह, तो लाओ डिलीवरी दो, बच्चों पे कितना जुल्म कर देता है इन लोगों ने। ये अरे अरे भैया कहाँ भाग गए? अरे भैया कहाँ भाग रहे? इधर आ जाओ। डिलीवरी आई है और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह बाल मजदूरी हो रही है। अरे जैसा बच्चा आया था, पता चीकू जैसा छोटा सा बच्चा, इतना सा। आप मुझे मिला रहे थे? किससे? बच्चे से। बेटा वो भाग गया ना, वो डर के भाग गया। वो आपको लगा, उसको लगा आप भूत हो? उसको लगा मैं भूत हूँ? हाँ। मुझे लगना चाहिए था कि वो भूत है, वो कंबल में आ गया है करके। कह रहा था कि कंपनी का रूल है कंबल में ही डिलीवरी करेंगे हम। करोना है ना? चाय पी आज सुबह उसने पता नहीं मांग कर रहा था, कह रहा चाय के लिए पैसे दे दो, 5 रुपए मांग रहा था। मुझे 5 रुपए दे देना क्या है? 5 रुपए देना क्या? तू भाग गया है। डिलीवरी है? अच्छा क्या है? तुम्हारे डिलीवरी है? अरे ये शूज मंगाए थे ना हमने, वो आ गए होंगे। शूज मंगाए थे किस लिए? इनवॉल्यूशन। ओके आई कैन अंडरस्टैंड। अरे बेल बजी है, जरा देखना कौन आए। तुम्हारी डिलीवरी होगी और क्या? हाँ बस मेरी होगी, और तो किसी की हो सकती है इस घर में? मैं तो मंगा रही हूँ सब कुछ। जब से किसकी डिलीवरी आ रही है? मेरी मम्मी की डिलीवरी आ रही है जी। मेरी मंगवाया था कितने की? 500 रुपए की। अच्छा 10-10-10 डिलीवरी वही है, कंबल पहन के आ रहा है। वही कंबल वाला डिलीवरी, पता नहीं कंबल वाला डिलीवरी कौन सी थी। नाम देखो 10-10-10 डिलीवरी। टेन 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 डिलीवरी। अरे भैया इसको रोको भैया, आपको इसकी जरा फोटो लेनी है, मुझे कंप्लेन में डालना है ना इन लोगों का नाम, पता नहीं कैसे बंदे रखे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग जा भाग जा, भागा भागा भागा, कोई नहीं अगली बार पकड़ूंगी इसको मैं। तुमने तो बोला था कि मेरी 500 की गाड़ी है, मैं तुझसे पूछ रहा था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 500। वाह भैया वाह, हैं मेरे साथ ही खेल रहे हैं। मैंने बोला 500, तुमने कहा 500। अब जब आ गई है 2500। तुमने इतना सामान ऑर्डर किया, कम से कम ये तो बता दो शादी किसकी है? आपको बताया था भाभी, ये वाली चाची जो है ना, उनकी वो बड़ी वाली बेटी की शादी नहीं हुई दिल्ली में, फिर उसकी जो नंद है ना वो बैंगलोर में आपको पता पढ़ने गई थी, फिर वो बैंगलोर में पढ़ने गई थी तो उसी की शादी है और सारे घर वाले आ रहे हैं। तो देखिए जी शादी है कहाँ? शादी का है मतलब? हाँ तुम इतना सामान खरीद रही हो, जाओगी शादी करने के लिए? जाओगी ना? ऑनलाइन है ना? ऑनलाइन शादी के लिए इतना खर्चा? अरे वो टेन 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 आ रहा है दूर से, चार बार तो मेरी गाड़ी भी तो आई है। गाड़ी क्यों खरीदी? ऑनलाइन शादी है तो उसमें गाड़ी का काम क्या है भाई? अपने भाई को दिखाएगा ऑनलाइन?
जो इतना खर्चा कैसे करते हैं? अच्छा एक बात बताओ आप, अगर शादी कहीं होती, मान लो आप बैंगलोर में ही शादी होती, सारे घर वाले वहां मिलते जाते हैं, तो वहां जाने की टिकट, आने की टिकट, हर चीज के पैसे लगते हम लोगों के। अभी तो सीधे सामान तो आया है, सामान में ही बात हो गई। और एक बात बताओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, सोचो कितना अच्छा लगेगा ना। और इकोनॉमी में कुछ मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोरोना चल रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रही है, पता है आपको लोगों को, बेचारा कुछ काम नहीं चल रहे, थोड़ा बहुत मेहनत तो चलो यार, मेरे थ्रू किसी का भला हो जाएगा। हो सकता है कोई और भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जितना सामान, मैंने जितना ऑर्डर किया था वो आ गया, इसने जो ऑर्डर किया था वो आ गया, तो कोई और भी हो सकता है, पर जाके देख लो। अभी देखता हूँ। ये तो फिर से कैंटीन डिलीवरी आ गया। सर 3,500 INR, 1,000 rupees। हाँ इसका पे नहीं हुआ अभी तक, इसका मुझे कैश चाहिए, या पर कैश सी और ना कैश ऑन डिलीवरी। कौन था? चेक कर लो ना, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, आर्यन ने भी कुछ नहीं मंगाया। ये तो मेरा है, मंगाया था मैंने। होता है ना, बाल काटते हैं। अपने गिफ्ट के लिए कितने खुशी, और हम लोग ने कुछ मंगा के तो हम बोले यार ये कर नहीं आ सकता है क्या? तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। डिलीवरी कैसी लगी आपको? बुरा लगा और अच्छा लगा, बता जरूर। मैं तो इसकी ना कंप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि है ना सबसे बेकार बात मुझे जो लगी ना वो ये है कि बच्चों से डिलीवरी करवा रहे हैं, ये कोई बात होती है? और बच्चे पांचवा माल में आ गए वहाँ पे चाय के लिए, हम जब हम पांच रुपए देने तो भाग जा रहे हैं वो लोग। हाँ मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए है ना, और ये थोड़ी ना कोई बात होती है कि कोई आके ऐसे डिलीवरी दे रहा छोटा सा बच्चा, और उसके पास एक कंबल और क्या ना, आज कोरोना का प्रॉब्लम है, मास्क लगा लो। हाँ मास्क लगा लो है ना। हाँ कंबल पहन के कैसे हो रहे? पता पहली बार में तो आगे डर ही गया, पहली बार मैंने देखी है कंबल में डिलीवरी, कंबल में डिलीवरी, डिलीवरी कंबल वाले, कंबल वाले डिलीवरी। और मेल करके हमें बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। बाय। बताओ बेचारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या बात करे, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या बात करे, मम्मी का सामान है। मम्मी का सामान है, ऐसे नहीं बोलना।